फ्रेंड्स, रविदास क्रिएशंस पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रिक्वेस्ट पर ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेकर आई हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर है और बनाने में भी इजी है। ये मैंने क्रोशिए से बनाई है। ये देखिए, ये मेरे लड्डू जी की ड्रेस है। ये देखिए, मेरे 16 नंबर के कान्हा जी हैं, मैं इसमें 16 चैन लूँगी। ये देखिए, ये नोट लगाने के लिए मैं धागा ऐसे लिया, इसको क्रोशिए को ऐसे किया और ये वाला भी पकड़ा और इसको ऐसे दो बार किया, ये नोट लग गया। देखिए, अब मैं 16 चैन लूँगी, 16, 16 के बाद मैंने यहाँ हाथ रख लिया और ये 3 चैन और बना ली, 1, 2, 3। 3 के बाद फिर मेरे को यहाँ पर ये 1, 2, 3 चैन छोड़ी, इसमें यहाँ पर ऐसे मैंने एक चावल बना लेना है ऐसे। ये मेरा यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गया। एक डबल क्रोशिया हम इसको गिनेंगे और एक इसको गिनेंगे, ये दो हो गए। अब इस पूरी चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद फिर ये पूरी लाइन हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ये मैंने पूरे चावल बना लिए हैं अपने, डबल क्रोशिया कर लिया है। अब मैं यहाँ पर हूँ इसके, यहाँ मैं 3 चैन लूँगी, 1, 2, 3। इसके बाद इसको मोड़ूंगी यहाँ पर और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करूँगी। ये हो गया मेरा, ये मेरे यहाँ पर इसके सहित 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो अब मेरे को इस पूरी लाइन में डबल 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए, 1, 2, फिर अगली चेन में मेरे को यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1, 2। फिर यहाँ अगली चेन में मेरे को डबल क्रोशिया करना है 2 बार। ये देखिए, 2। ऐसे ही करके ये पूरी रो मेरे को हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करना है। ऐसे ही करके पूरी ये मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। ये हर चेन में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब ये मैं लास्ट पर हूँ यहाँ पर, यहाँ 3 चेन लूँगी, 1, 2, 3, और इसको मोड़ेंगे और ये वाली चेन छोड़ देनी है क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ये 1 डबल क्रोशिया ही माना जाएगा और इससे अगली वाली चेन में मेरे को डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 1। अब मेरे को इसमें हर चेन में 1-1 डबल क्रोशिया करना है, 1, 2। यहाँ 5 मैं लूंगी डबल क्रोशिया, ये 1, 2, 3 और ये 4, मेरे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मेरे को यहाँ पर ये 5 चेन स्किप करनी है, 1, 2, 3, 4, 5। छठी चेन में मेरे को फिर से 1 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 1, ये मेरी शेप ऐसे आ जाएगी। ये देखिए, आपको आपके बड़े कान्हा जी हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 1-1 पूरी रो आप 1-1 डबल क्रोशिए की कर सकते हैं।
उसे थोड़ी और इसकी लेंथ थोड़ी और हो जाएगी। मेरे 3 नंबर के कान्हा जी हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए ये मेरे को यहाँ पर अब 12 डबल क्रोशे करने हैं। ये एक मेरा हो गया है, 12 और करने हैं, 12 हो गए हैं। अब फिर से मेरे को 5 चेन छोड़नी है, छठी में मेरे को एक डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 5, ये छठी है मेरी, इसमें मैंने डबल क्रोशिया करना है और इन 5 में ये 5 डबल क्रोशिया और करना है, ये 1 2 3, ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कर लिया अपने 5 पूरे। अब मेरे को फिर से यहाँ पर ये 1 2 2 चेन करनी है और यहाँ मेरे को सिंगल क्रोशिया करना है पूरी लाइन में, ऐसे मैंने ऐसे लिया धागा इसके ऊपर, इसको यहाँ से तीनों को एक साथ निकालना, ये मेरा सिंगल क्रोशिया हो गया। ये पूरी लाइन में मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए ये मैंने अपना सिंगल क्रोशिया कर लिया है, ये देखिए ये मेरी, देखो ये मेरी चोली कंप्लीट हो गई है। देखिए ये मेरी ड्रेस का ऊपर का हिस्सा है,